अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज बसारा किचन में मैं शेयर करूँगी आपके साथ मिनी स्प्रिंग रोल। जी हाँ, सिग्नेचर मिनी स्प्रिंग रोल की रेसिपी। ये मेरा सिग्नेचर मिनी स्प्रिंग रोल है बहुत ही आसानी से, और आज हम बनाएंगे 150 मिनी रोल्स। और इसकी जो एक बहुत ही आसानी से कम बजट में वेजिटेबल मिनी रोल्स बनाने हैं। चलिए फिर जल्दी से रेसिपी करते हैं स्टार्ट। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को कर लिया कीजिए लाइक। यहाँ पर जो है मैंने 3 बड़ी बंद गोभी ले ली है और इसको बिल्कुल बारीक बारीक से कट कर लिया। 3 बड़ी बंद गोभी के साथ 2 बड़ी गाजरें, इसको भी जो है मैंने लंबाई में जो है इसके साथ ही जो है कट करनी है, और उसको जो है बंद गोभी के साथ ही जो है मैं ऐड करूँगी, क्योंकि और हीट को जो है फुल पे रखना है ताकि थोड़ी देर में जो है बंद गोभी का पानी जो है सूखेगा ना, तो ये थोड़ी सी नीचे होगी तो फिर मैं बाकी की सब्जियाँ इसमें ऐड करूँगी। देखिए जो है थोड़ी छोटी है तो इसलिए ये प्रोसेस मैं स्टेप बाई स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ 4 बड़ी जो है शिमला मिर्च, उसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। शिमला मिर्च की पीछे निकाल के उसको जो है कट किया है वो इसमें ऐड कर दिया है, और 1/2 किलो जो है इसमें चली जाएगी हरी प्याज। ये तमाम चीज़ें ऐड करके फ्लेम को जो है फुल रखना है। अल्टा पलटा करके सारी सब्जियों को जो है मिक्स कर लीजिए और कंटिन्यूसली जो है चम्मच चलाते रहिए, क्योंकि सब्जियां जो है नीचे लगे नहीं। हमने इसमें ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस, और 2 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली सॉस। हॉट चिली सॉस के हॉट सॉस के नाम से मार्केट में आता है, रेड चिली सॉस के नाम से भी आता है। 2 खाने का चम्मच ये चला जाएगा। 2 चाय का चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके साथ ही मैं इसमें यहाँ पर ऐड कर दूंगी 2 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस। रेड चिली सॉस भी ऐड किया है इसमें मैंने, और चिली गार्लिक सॉस भी ऐड किया है 2 खाने का चम्मच। 2 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी है यहाँ पे, और 2 चाय का चम्मच इसमें जो है मैं ऐड कर दूंगी चिकन पाउडर, और नमक जो है हसबे ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा ऐड कीजिए। मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया क्योंकि चिकन पाउडर में अच्छा खासा नमक होता है। इसके साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, और इसमें लहसुन पाउडर ही ऐड करना है हमें, लहसुन के जवे या पेस्ट ऐड नहीं करना है। आसानी के साथ मार्केट में मिल जाता है, और यहाँ पर जो है फुल हीट पर करके बस जी थोड़ी देर जो है इसको बनाइएगा। इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा, सब्जियाँ सारी क्रंच रह जाएंगी, क्रंची रह जाएंगी, और सब्जियों को गलाना नहीं है इसलिए कवर नहीं करना है, बिल्कुल क्रंच करें सब्जियों को रखना है। बस इसका जो है पानी अच्छी तरीके से खुश कर लेना है। यहाँ पे देखें हमारी स्टफिंग जो है रेडी हो गई, सब्जियाँ देखें वैसी की वैसी फ्रेश और क्रंची सी हैं, बस सारा पानी जो है इसका जो है खुश्क हो चुका है। चलिए जी अब जल्दी से बनाते हैं मिनी स्प्रिंग रोल्स। इसके लिए मैंने रोल्स की जो है शीट ले ली है, मैंने स्क्वायर शेप की शीट ली है। इसको जो है सेंटर से 2 हिस्से कर लिए, क्योंकि छोटे छोटे मिनी स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी लगते हैं, लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी के साथ ही नहीं किया अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब हमारा मसारा व्लॉग्स, तो जल्दी जल्दी इस व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैंने अपनी रमज़ान की तमाम प्रिपरेशन की वीडियोज़ आपके साथ शेयर की हुई है कि रमज़ान में जो है मैंने रमज़ान की क्या क्या तैयारियाँ की हैं और उसके लिए मैंने क्या क्या बनाए। यहाँ पे जो है मैदे का पेस्ट ले लिया है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी समोसे और रोल्स बनाती हूँ तो उसको जो है मैदे के पेस्ट से ही पैक करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, मार्केट वाले भी इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो है इसको रोल्स को बना के आराम से जो है इसको एयर पैक किसी भी बैग में, जिप लॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में इसको अच्छी तरीके से पैक करके रख दें। 1 महीना भी रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 150 बनाए हैं और जाहिर सी बात है मैं इसको पूरे रमज़ान चलाऊँगी तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब दिल चाहेगा मैं इसको फ्रीजर से निकालूंगी और इसको जो है डेप फ्राई करूंगी और इसको जो एंजॉय करूंगी, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी से बनेंगे। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आए वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और रमजानों में ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। होपफुली आप इसको जरूर इंजॉय करेंगे, और मसारा व्लॉग्स पर भी जरूर विजिट कर लीजिए, फ्री टाइम में आपको बहुत अच्छे एंटरटेनिंग जो व्लॉग मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।